गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। टुडे आई विल टीच यू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इन विच वी स्टडी अबाउट दी हाउ टू ऑर्गेनिज्म कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट टू ईच अदर इन प्रॉपर मैनर। सो वी विल बी द फर्स्ट टू नो अबाउट दी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? जैसे कि हम सबको पता है कि हम चलते हैं, बैठते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, मतलब बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, तो इन पे हमारा कहीं ना कहीं कंट्रोल है। दैट मीन्स कि एक ठहराव है, जब हम चाहे चीज़ों को रोक सकते हैं, जब हम चाहे चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक, अब लेकिन इसके इसमें और कौन पार्टिसिपेट करता है? हमारे इंटरनल्स ऑर्गन, जो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हमारा जो हार्ट है, जो ब्लड वेसल्स है, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक, लंग्स कोऑर्डिनेट कर रहा है, कहीं ना कहीं ब्लड को प्यूरीफाई कर रहा है। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर मैनर में चल रहा है, जिसकी वजह से हम जिंदा है या लाइव हैं, ठीक है, या सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक, सो द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इन रेगुलर मैनर इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक, सबको समझ में आ गया कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जिसमें हम अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, मतलब कोई ना कोई सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है जो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, और वो सारे इंटरनल्स ऑर्गन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके उसमें कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं हमको। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कितने तरह के होते हैं। तो वी हैव अ टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, वन इज नर्वस एंड द सेकंड इज हार्मोनल। ठीक, नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो हमारा जितना भी नर्वस सिस्टम है, जिसमें हमारा ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, वो नर्वस कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ये केवल एनिमल में पाया जाता है, यानी मान लीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर कोई एक्टिविटी होनी है, तो कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर वो मैसेज पहुंचना है। जब बॉडी तक पहुंचेगा तभी तो हमको पता चलेगा। अब जैसे मान लीजिए हमने इसको टच किया, तो हमको कहाँ से ये चीज़ मिली, कहाँ मैसेज? ब्रेन दे रहा है किसको? हैंड को, कि इसको टच करो। ठीक, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये किसकी वजह से? नर्वस कोऑर्डिनेशन की वजह से। ठीक, तो नर्वस, क्योंकि नर्वस सिस्टम हमारा एनिमल्स में पाया जाता है, तो ये एनिमल में है। और जो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट होंगे, वो किसके थ्रू होंगे? इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू होंगे। ठीक, अब अगर बात हम करें हार्मोनल कोऑर्डिनेशन की, तो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन सेलुलर मैसेज को कंडक्ट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक, ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। ठीक, प्लांट में भी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं, और एनिमल में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर नर्वस सिस्टम से ये अलग क्यों है? क्योंकि ये सेल्युलर या सेल तक या टिश्यू लेवल तक मैसेज को पहुंचाता है, जबकि ये जो मैसेज है ये ऑर्गन से ब्रेन तक या ब्रेन से उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचाएगा, लेकिन किस वे में? इलेक्ट्रिक वे में। लेकिन यहाँ पर जो मैसेज का कम्युनिकेशन हो रहा है, या मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुँच रहे हैं, वो केमिकल के थ्रू पहुँच रहे हैं। यानी पर्टिकुलर एक जगह कोई केमिकल सीक्रेट होगा, और वो सीक्रेशन पर्टिकुलर एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा। जैसे कि जैसे सपोज कि एनिमल में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारे ब्रेन में, ठीक है, तो वो ग्लैंड पर्टिकुलर बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है। ठीक, अब क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन्स भी पाए जाते हैं, तो ग्रोथ सारे सेल की, सारी बॉडी की होनी है ना, तो कहीं ना कहीं वो केमिकल पूरी बॉडी तक, हर एक सेल तक पहुंच रहा है, तभी तो सेल ग्रो कर रहे हैं और हम लोग टॉल हो रहे, बढ़ रहे। ठीक, तो ये केमिकल मैसेज के थ्रू इसका कंडक्शन होगा, और इसका इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के थ्रू। इज इट क्लियर? कैसे नर्वस सिस्टम एनिमल्स में कितने तरह का और कैसे वर्क करता है,
तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ न्यूरॉन, नर्व सेल्स, नर्वस ऑर्गन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ एनिमल्स विच रिसीव, सेंड एंड इंटीग्रेटिंग द इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलेट। दैट मीन्स कि नर्वस सिस्टम बेसिकली देखिए एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनता है जिसको हम नर्व सेल कहते हैं या न्यूरॉन कहते हैं। ठीक, अब ये न्यूरॉन और नर्व सेल ही है जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को या तो रिसीव करेंगे या तो सेंड करते हैं और उसी के प्रति जो ऑर्गेनिज्म है रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि मान लीजिए कि पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक, किसी भी तरह की फीलिंग है या किसी भी तरह का स्टिमुलेशन है, जैसे मान लीजिए उसको चोट लगती है या ठंडा या गर्म का स्टिमुलेशन है, जैसे मान लीजिए हमने एक ग्लास में पानी लिया और वो ठंडा है, तो ये क्या है, फीलिंग है जो हमको पता चल रही है कि हाँ ये ठंडा है, ठंडा है। क्यों? क्योंकि मैसेज कौन दे रहा है? न्यूरॉन सेल दे रहा है। किसको दे रहा है? ब्रेन को दे रहा है। ठीक, और ये मैसेज किसके थ्रू गया, यानी किस वे में गया? इलेक्ट्रिक इम्पल्स के वे में गया कि हाँ ये चीज ठंडी है। अगर गर्म आप छूते हैं तो गर्म का परसेप्शन आपको समझ में आता है। ठीक, इसी तरीके से जब हमारा वेदर चेंज होता है ना, गर्मी में गर्मी, फिर जाड़े में जाड़ा लगता है। अब जैसे अभी हमको देखिए पसीना आ रहा है, दैट मीन्स कि हमको गर्म लग रही है, तो कहीं ना कहीं बॉडी उसके प्रति रिस्पॉन्ड कर रही है और स्वेटिंग हो रहा है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, मेंटेन हो सके। ठीक, दूसरा ये, तीसरा कि ये नर्वस सिस्टम हमारी वॉल्यूंट्री और इनवॉल्यूंट्री एक्टिविटीज पर भी कंट्रोल करता है। कैसे? जैसे कि मैं बोल रही हूँ, ठीक, तो ये मेरे ऊपर है, मेरा इस पर विल है, मेरा इस पर कंट्रोल है। ठीक, मैं हाथ यहाँ रख रही हूँ, मैं चल रही हूँ, ठीक, चल रही हूँ, ठीक, तो इस तरह की एक्टिविटी जिन पर हमारा कंट्रोल होता है उनको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूंट्री। ठीक है, वॉल्यूंट्री कंट्रोल कहते हैं उनको। इसी तरीके से कुछ एक्टिविटी ऐसी भी होती हैं मतलब जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। हार्ट अपना काम कर रहा है, ठीक, क्योंकि उस पर जो नर्व्स हैं वो कैसे नर्व्स हैं? इनवॉल्यूंट्री। ठीक, क्योंकि हम मैसेज नहीं दे रहे हैं हार्ट को कि हार्ट तुम अपना काम करना शुरू करो, या फिर हम मैसेज नहीं दे रहे हैं स्टमक को कि भाई डाइजेशन करो, या फिर लंग्स को मैसेज नहीं दे रहे हैं या कंट्रोल नहीं है कि अरे ऑक्सीजन का सप्लाई बंद करो, कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई बंद करो। ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, ये तो अपने आप हो रही हैं। तो इस तरह की वॉल्यूंट्री और इनवॉल्यूंट्री का जो कंट्रोल भी होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन के पास प्रेजेंट है। ठीक, अब देखिए नर्वस सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को CNS के नाम से भी जानते हैं, सेंट्रल बॉडी के सेंटर में जो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाएगा। ठीक, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये है ब्रेन और ये बीच में है स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड को कुछ लोग वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइंस मानते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी है, लेकिन ये रीढ़ की हड्डी नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो हॉलो स्ट्रक्चर होता है उसमें पाया जाता है। जैसे मोतियां होती है ना, मोतियों में धागे पिरोए होते हैं, मतलब धागों में ही पिरो के फिर गले की माला एक बनाई जाती है, उसी तरीके से हर एक वर्टिब्रल कॉलम को कौन पिरोता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड पिरोता है। ठीक, अब दूसरा है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये नर्व से बने होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। अभी जैसे कि हमने बताया था कि बॉडी में कंट्रोल दो तरह के हैं, एक वॉल्यूंट्री और दूसरा इनवॉल्यूंट्री। तो वॉल्यूंट्री का मतलब हो गया जिस पर हमारा कंट्रोल है, और इनवॉल्यूंट्री का मतलब हो गया जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन बॉडी को जिंदा रखने के लिए उसका होना ज़रूरी है। ठीक, तो सोमैटिक में कौन सी नर्व्स आ जाएंगी? वो नर्व्स जिन पर हमारा कंट्रोल होगा,
क्योंकि वो मसल से अटैच होंगी। जैसे मैं हाथ इस तरह से मोड़ रही हूँ तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो नर्व्स है, जो मैसेज यहाँ तक पहुँच रहा है, वो किसके थ्रू पहुँच रहा है? सोमैटिक नर्व्स के थ्रू। ठीक, ऑटोनॉमिक, जैसे कि मैंने बताया था कि हार्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हार्ट अपना वर्क प्रॉपर मैनर में कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वहाँ पर जो नर्व है वो मैसेज उसको दे रहे हैं कि वो अपना वर्क प्रॉपर रेगुलर मैनर में करें। ठीक, अब ऑटोनॉमिक दो तरह के होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। ठीक, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे इन ब्रॉड, अभी इतना पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कुछ और न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, नर्व्स हमने जो बताया था, दो तरह के नर्व्स होते हैं, एक क्रेनियल और एक स्पाइनल। यहाँ पे जो हमने लिखा है ना नर्व्स, तो ये दो तरह के हैं, एक क्रेनियल। क्रेनियल का मतलब जो ब्रेन से अराइजेस हैं, ब्रेन से जो नर्व्स निकलेंगी वो क्रेनियल नर्व्स। ठीक, और स्पाइनल जो स्पाइन से अराइजेस होंगी, ठीक, उसको हम स्पाइनल कॉर्ड से जो अराइजेस होंगी उनको हम स्पाइनल नर्व्स कह देंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, जैसे कि अभी हमने पहले बताया था कि नर्वस सिस्टम में जो मेन है वो क्या है? आपका न्यूरॉन और नर्व्स है। ठीक, तो ये है न्यूरॉन। न्यूरॉन को इसी वजह से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, अब न्यूरॉन है क्या? इट इज अ ट्रू कैरियोटिक सेल विच डू नॉट डिवाइड बिकॉज देयर इज नो सेंट्रोसोम। ठीक, यहाँ पर सेंट्रोसोम एब्सेंट है जिसकी वजह से इसमें डिवीजन नहीं होता। ठीक, अगर मान लीजिए किसी का नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया है तो पर्टिकुलर उस ऑर्गेन में किसी भी स्टिमुलस के प्रति वो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अब ये स्टिमुलस क्या है? द चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। ठीक, अगर मान लीजिए किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरमेंट में चेंजेस आते हैं तो ऑर्गेनिज्म उसके प्रति रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि अभी हमने पहले ही बताया था कि उसके अंदर फीलिंग है, सेंसेशन है। फीलिंग किस चीज़ की? ठंडे गर्म की। फीलिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, विजन की हो सकती है, हियरिंग की हो सकती है ना, पेन की हो सकती है, और परसेप्शन विजन है, हियरिंग है, टेस्ट है, इन सब का हो सकता है। ठीक, तो उसको हम स्टिमुलस कह देंगे। अच्छा, ये कितने पाए जाते हैं? अप्रॉक्स 30 बिलियन। ठीक, सबसे ज़्यादा ब्रेन में होते हैं, 95-98%। अब न्यूरॉन कैसा दिखता है? इट्स लुक लाइक अ ट्री। दे हैव अ थ्री पार्ट्स, साइटोन विच इज ऑल्सो नोन एज सोमा और सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। अब देखिए न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है। दिस पोर्शन इज कॉल्ड साइटोन और सेल बॉडी विच कंटेन अ न्यूक्लियस एंड सम निसल्स ग्रैन्यूल्स। Nissl's granules, it's a specific characteristic feature of the nerve cell. Nissl's granules. Nissl's granules कह सकते हैं या Nissl's bodies कह सकते हैं, which is basically a riboprotein. ठीक, ये यानी ये क्या बनाएगा? Protein बनाएगा। ठीक, अब इसमें निसल्स ग्रैन्यूल्स के अलावा और क्या होता है? न्यूरोफाइब्रस प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा और न्यूरोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। ठीक, इतना सब कुछ समझ में आ गया। देन दूसरे, अगर हम डेंड्राइट्स की बात करें तो इट इज अ प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ। दिख रहा है ना, ये क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ है। ठीक, जो किसमें दिखाई दे रहे हैं? ब्रांचेस में, विच गिव्स आउट ब्रांचेस विच इज नोन एज डेंड्राइट्स एंड देयर एंड इज कॉल्ड टीलोडेंड्राइट्स। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है दे सर्व टू रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम प्री सिनेप्टिक न्यूरोन टू साइटोन। यानी कि ये इम्पल्सेस को एक न्यूरोन से लेता है और उसको कहाँ तक पहुँचाता है? साइटोन तक। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज़ अगर अटैच है या टच कर रही है तो ये सिग्नल कहाँ तक देगा? पूरा यहाँ तक देगा। जैसे कि फोन आप रखते हैं अपने बॉडी पर, जैसे यहाँ पर रखते हैं, कुछ लोग जेब में रख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं, तो जब फोन वाइब्रेट होता है तो पर्टिकुलर वहीं तक नहीं होता, उसका वाइब्रेशन कुछ दूर तक होता है। उसी तरीके से यहाँ पर जब
इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आती हैं तो वो केवल यहीं तक सीमित नहीं रहती है, वो कहां तक जाएंगी, साइटोन तक जाएंगी। ठीक, फिर तीसरा क्या है हमारा, एक्सॉन। ठीक, अब एक्सॉन क्या है, इट्स अ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक, विच अराइजेस फ्रॉम द साइटोन। ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है जो साइटोन से निकलकर इतना लंबा सा स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक, और एक्सॉन इज टर्मिनेटेड इनटू नॉब्स लाइक स्ट्रक्चर, एक्सॉन दिखाई दे रहा है नॉब्स लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट हो रहा है। नॉब्स समझते ना, दरवाजे में आजकल पहले कुंडी लगी होती थी, आजकल मॉडर्न टाइम में सब लोग नॉब लगवाते हैं। ठीक है, तो नॉब लाइक स्ट्रक्चर, घुंडी नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक बटन्स कह सकते हैं या टर्मिनल बटन्स कह सकते हैं। ठीक, इसके अंदर एक केमिकल सीक्रेट होता है जिसको हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। ये न्यूरो ट्रांसमीटर ही इम्पल्सेस को, कैसे इम्पल्सेस को, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर न्यूरॉन है और इसका मैसेज ब्रेन तक जाना है, तो कहीं ना कहीं एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन, चौथा न्यूरॉन इस तरीके से लगे होंगे, तभी तो यहाँ से मैसेज कहाँ तक जाएगा, ब्रेन तक जाएगा। ठीक, अब देखिए इस एक्सॉन में एक लिक्विड या मैट्रिक्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म कहते हैं। प्लाज्म वर्ड कहीं पर भी आए उसका मतलब ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं मैट्रिक्स की या उस फ्लूइड की बात हो रही है जो उस सेल में प्रेजेंट है। ठीक, अब देखिए ये एक्सॉन कवर्ड है, कवर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक, प्रोवाइडेड विद अ शीथ विच इज नोन एज माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं जिनको हम श्वान सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वान सेल, SCHWANN, श्वान सेल। ठीक, अब इसके ऊपर भी कवरिंग है, एक मेम्ब्रेनस कवरिंग है जिसको हम क्या कह देंगे, न्यूरीलेमा। एक्सॉन की आउटर लेयर को एक्सोलेमा और माइलिन शीथ को जो एक लेयर और कवर कर रही है उसको हम क्या कह देंगे, न्यूरीलेमा। लेकिन यहां पर हमको क्या दिखाई दे रहा है कि माइलिन शीथ के बीच में गैपिंग है, दैट मीन्स इट इज नॉट इन यूनिफॉर्म, इट इज इंटरप्टेड इंटरवली, एंड दिस कंस्ट्रिक्टेड एरिया इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर ही एक्चुअल में इम्पल्सेस जनरेट होते हैं। तो अगर यहाँ पर इम्पल्सेस जनरेट हो रहे हैं तो वो फिर कैसे जाएंगे, सीधे सीधे जाएंगे या जंप कर करके जाएंगे? गैपिंग क्यों है, गैपिंग इसीलिए है कि यहाँ पर इम्पल्सेस जनरेट हो रहा है, अकर्स हो रहा है, जिसकी वजह से जितना भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो जंप कर करके जाएगा। ठीक, और इस मूवमेंट को ही हम साल्टेटरी मूवमेंट कहते हैं। क्या मूवमेंट कहेंगे, साल्टेटरी मूवमेंट। साल्टेटरी मूवमेंट, अच्छा जब आपको कांटा लगता है या हाथ जलता है आपका, तो क्या आप सोचते हैं क्या कि हाथ हटाए कि ना हटाए, अचानक से हट जाता है। क्यों हट जाता है, क्योंकि इसको मैसेज पहुंचाने में कुछ सेकंड का समय लगता है। कितना कितना आप सोच सकते हैं, कितना सोच सकते हैं, और वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर इम्पल्सेस जंप कर कर के जा रहा है, इस वजह से जो इम्पल्सेस कंडक्ट हो रहा है वो 120 मीटर पर सेकंड होता है। कितना, मीटर पर सेकंड, यानी कि इतनी जल्दी ये इतना डिस्टेंस कवर कर लेता है। इज इट क्लियर। अच्छा, कुछ न्यूरॉन में ऐसा भी होता है कि किसी किसी में ये माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है और किसी किसी में एब्सेंट होती है। जिस न्यूरॉन में माइलिन शीथ प्रेजेंट है उसको हम माइलिनेटेड या मैड्यूलेटेड न्यूरॉन कह देंगे, जिसमें एब्सेंट है उसको हम नॉन माइलिनेटेड या नॉन मैड्यूलेटेड न्यूरॉन कह देंगे। ठीक,
ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि नोड ऑफ रणवीर की वजह से ही इम्पल्सिस जंप करके जा रहे हैं, जिसकी वजह से इम्पल्स का जो कंडक्शन हो रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा है। ओके, थैंक यू।